लेकिन बात ये तो बीजेपी की हुई, कांग्रेस पहले ही अपने ऐसा लगता है कि हार मान चुकी है, कांग्रेस के नेता हार मान चुके हैं और कांग्रेस के पोस्टर से अब राहुल गांधी सोनिया गांधी के फोटो जो हैं वो गायब हो गए हैं और सिर्फ वहाँ पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा नजर आ रहा है। कांग्रेस दफ्तर में यूं तो आजकल सन्नाटा पसरा रहता है लेकिन यहां लॉन में तैयारी हो रही है। 16 मई की यहां पे मीडिया के लिए कियोस्क लगाए जा रहे हैं और ठोका ठोकाई का काम चल रहा है। आप देख रहे हैं ये बैनर की तैयारी है, बैनर लगाए जाएंगे, जगह जगह कियोस्क बनाए जा रहे हैं। पर क्या दिलचस्प बात हमें नज़र आई वो ये है कि आइए आपको दिखाते हैं कांग्रेस का पोस्टर। जी हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये वाला पोस्टर शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। पंजे का निशान है, पार्टी के पंजे का निशान और इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखा हुआ है। पर कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है सोनिया गांधी? कोई भी दिग्गज नेता नजर नहीं आ रहा है, खासतौर से राहुल गांधी जिनके नेतृत्व में पूरी लड़ाई लड़ी गई चुनावी। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, राहुल गांधी यूं खड़े थे तमाम जनता के साथ। पर अब जब इम्तिहान खत्म हो गया और नतीजे की घड़ी आई है तो राहुल गांधी को माइनस कर दिया गया है पोस्टर से। सवाल यह है कि आखिर क्यों? तमाम मीडिया खड़ी होगी, पीछे पोस्टर होगा, नतीजे की जिम्मेदारी लेने की बात आएगी, राहुल को इंसुलेट करने की कोशिश जो है लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही है पार्टी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या किया, उन्होंने तो सिर्फ एक प्लान बनाया, जनता तक उनकी आवाज पहुंचाना तो नेताओं और कार्यकर्ताओं का काम था और ये राहुल गांधी की नाकामयाबी नहीं बल्कि पूरी पार्टी की जिम्मेदारी होगी। जाहिर है कांग्रेस में अब एक तरीके से बौखलाहट और माथापच्ची का दौर जो है वो जोरों पर है। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलेन के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।